हाँ सुप्रभात, मेरा वीडियो लेक्चर में स्वागत है। अगर आप नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। हाँ, मेरा पिछला वीडियो था जो कि पार्ट टू में दिया गया था आपको से इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के बारे में, लेकिन हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं यू एच आई मतलब क्या है, अर्बन हीट आइलैंड्स किसको कहते हैं, उसमें क्या है। आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उतना नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि कौन सा पॉइंट और कौन सा इफेक्ट नहीं है इसमें। सो अगर विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट इम्पैक्ट, इसमें कौन सा इफेक्ट नहीं है अर्बन आइलैंड के लिए। सो फ्रिक्वेंट फ्लड्स एंड अर्बन फ्लड्स होते हैं क्योंकि वो एक आइलैंड है, फ्लड्स तो ज़रूरी है। डिक्रीज इन एयर क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी भी होता है क्योंकि वो भी एक आइलैंड है जिसमें इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग द डिमांड, इंक्रीजिंग द पोल्यूशन, वही मेन मोटो है। इंक्रीजिंग हीट वेव जरूर होता है क्योंकि कोस्टल प्लेन में अर्बन हीट आइलैंड्स सिचुएटेड होते हैं। सो इसीलिए अगर देखें तो पहला नंबर ही करेक्ट है क्योंकि डिले इन मानसून डज नॉट इम्पैक्ट एनीथिंग इन अर्बन हीट आइलैंड्स। सो इसीलिए डिलेड अराइव्ड ऑफ मानसून ही करेक्ट ऑप्शन है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि स्टिपुलेटेड चेंज ऑफ क्लाइमेट, विंड एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमिडिटी रेंज आल्सो अफेक्ट्स यूएचआई। सो अगर देखें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उतना ज़्यादा नहीं है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वो भी मैं बता चुका हूँ, इंक्रीजिंग कार्स बसेस जब इंक्रीज होगा, हीट वेव भी इंक्रीज होगा ना डिफरेंट मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में अगर देखें तो। सिमिलरली हाउसिंग बिल्डिंग एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क आल्सो इंक्रीजेस, यस इज इट राइट। सो इसमें हाई वेव लो वेव स्टिपुलेटेड वेव कहाँ से होगा, कहाँ से हीट जनरेट होगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग लॉट ऑफ डिमांड्स ओनली इंक्रीजेज द पोल्यूशन। सो हीट वेव कहाँ से इंक्रीज होगा, वेस्ट हीट, और यू कैन से हीट वेव कहाँ से इंक्रीज होगा, हाई अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से इंक्रीज होगा, फैक्ट्रीज से, पोल्यूशन से, और लॉट ऑफ डेंसली पॉपुलेशन से भी इंक्रीज हो सकता है जो कि यूएचआई अर्बन हीट वेव भी कहते हैं, अर्बन हीट इंडेक्स भी कहते हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स जो कि होते हैं वो सारा इम्पोर्टेंट है। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है कि इट इंक्रीजेस एनर्जी कंजप्शन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉइजन एंड डेंजर टू एक्वेटिक सिस्टम, डिस्कम्फर्ट एंड डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट कीजिए। इसमें यूएचआई में यही दिया गया है जो कि मानसून अफेक्ट नहीं करेगा और बाकी सब अफेक्ट करेगा जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। धन्यवाद।